Hello everyone, welcome to class number 79 of the chapter Programming using C++. So, आज के class का हमारा discussion का topic है Access Mode of Inheritance. तो जैसे कि last class में हमने inheritance के बारे में पढ़ा था कि inheritance एक process है. This process के through हम क्या कर सकते हैं? एक class create कर सकते हैं existing class के property को use करके. Okay. तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि लास्ट के क्लास में हमने इनहेरिटेंस के सिंटेक्स के बारे में भी देखा था कि अगर एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहता है तो कैसे उसको इनहेरिट कर सकते हैं. तो वहां पे पेरेंट क्लास के नाम को मेंशन करने से पहले वहां पे हम यूज करते हैं एक्सेस मोड कि एक पर्टिकुलर जिस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट करना चाहते हैं किस मोड में इनहेरिट करना चाहते हैं, पब्लिक मोड में या फिर प्राइवेट मोड में या फिर प्रोटेक्टेड मोड में. अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को हम पब्लिक मोड में एक्सेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के किस किस मेंबर को हम चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. अगर हम एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को अगर हम प्रोटेक्टेड मोड में एक्सेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के किस किस मेंबर को हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को अगर हम प्राइवेट मोड में एक्सेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के किस किस मेंबर को हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ओके. तो जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई भी मेंबर को हम प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसको कोई अदर क्लास के द्वारा या फिर सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लास के बाहर कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते. ओके. चाहे वो उसका चाइल्ड क्लास क्यों ना हो, चाहे वो वही सेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों ना हो. A derived class can access all the non-private member of its base class. एक particular derived class या फिर एक particular child class, एक base class का सिर्फ non-private member को ही access कर सकता है. Non-private member मतलब protected access specifier and public access specifier के द्वारा declare किया गया members को ही सिर्फ access कर सकता है child class. किसका? Parent class का. But अगर एक particular parent class के अंदर कुछ ऐसे members हैं जिन मेंबर्स को हम चाहते हैं कि हमारा चाइल्ड क्लास एक्सेस ना कर पाए तो उनको हम क्या कर सकते हैं? प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट सेक्शन के अंदर अगर हम कोई भी मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं तो उसको उस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर फंक्शन के अलावा और कोई भी क्लास के द्वारा ना ही हम एक्सेस कर सकते हैं ना ही उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं. वही लिखा है कि डिराइव क्लास मीन्स एक चाइल्ड क्लास एक पर्टिकुलर बेस क्लास का मतलब पेरेंट क्लास का जितने भी नॉन प्राइवेट मेंबर्स हैं मतलब पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके डिक्लेयर किया गया सारे मेंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं. दस बेस क्लास मेंबर दैट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू द मेंबर फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लासेस. अगर हम चाहते हैं कि एक बेस क्लास में ऐसा कुछ मेंबर्स हैं जिनको कि हमारा डिराइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास एक्सेस ना कर पाए तो उन मेंबर्स को हम बेस क्लास में या फिर पेरेंट क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर. ओके. तो अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के अंदर कोई भी मेंबर्स को हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके डिक्लेयर करते हैं उसको हम उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास जो है चाइल्ड क्लास के थ्रू हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते. ओके. अभी हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को जब हम एक चाइल्ड क्लास के थ्रू इनहेरिट करते हैं तो उसको हम तीन अलग अलग मोड में इनहेरिट कर सकते हैं, पब्लिक मोड, प्राइवेट मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड. ओके. अगर मैं पब्लिक मोड में एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता हूं एक चाइल्ड क्लास के द्वारा तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के पब्लिक सेक्शन एंड प्रोटेक्टेड सेक्शन में जितने भी मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. वही लिखा है If we derive a subclass, अगर हम एक subclass को derive करते हैं from a public base class, अगर एक public base class से, then the public member of the base class will become public in the derived class and a protected member of the base class will become protected in the derived class. Suppose एक parent class है, parent class के अंदर मैंने public section के अंदर कुछ data members declare किए हैं, protected section के अंदर कुछ data members declare किए हैं तो अगर वही सेम पेरेंट क्लास को मैं एक चाइल्ड क्लास के थ्रू इनहेरिट करता हूं, ओके, या फिर एक चाइल्ड क्लास को अगर मैं डिराइव कर रहा हूं इस पेरेंट क्लास के थ्रू तो इस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया मेंबर को यहां पे एज ए पब्लिक हम यूज कर सकते हैं
और प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया मेंबर्स को हम यहाँ पे एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को हम प्रोटेक्टेड मोड में क्या करते हैं, अलाउ करते हैं एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करने के लिए, तो एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के अंदर जो पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया मेंबर्स, प्राइवेट प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया मेंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सपोज एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के अंदर मैंने पब्लिक सेक्शन के अंदर कुछ मेंबर्स को डिक्लेयर किए हैं, प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर कुछ मेंबर्स को डिक्लेयर किए हैं। अगर यही पेरेंट क्लास को एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है बाय यूजिंग प्रोटेक्टेड मोड, प्रोटेक्टेड मोड यूज करके अगर हम एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं एक चाइल्ड क्लास के द्वारा, तो इस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के पब्लिक सेक्शन एंड प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड फॉर्म में ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पब्लिक सेक्शन के अंदर भी जो मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा अगर हम उसको चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे तो, और प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर भी जो मेंबर्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। वही लिखा है, इफ वी डिराइव ए सब क्लास फ्रॉम ए प्रोटेक्टेड बेस क्लास, अगर हम एक सब क्लास को डिराइव कर रहे हैं एक प्रोटेक्टेड बेस क्लास से या फिर प्रोटेक्टेड पेरेंट क्लास से, देन बोथ पब्लिक मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास, मतलब उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के अंदर अगर कोई भी पब्लिक मेंबर्स हैं या फिर प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उनको हम चाइल्ड क्लास के अंदर एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर क्या करेंगे, यूज कर सकेंगे। ओके, समझ आया? अगर हम प्रोटेक्टेड के जगह पे यहाँ पे पब्लिक यूज करते तो क्या होता, पब्लिक मेंबर को पब्लिक मेंबर के हिसाब से यूज कर सकते, प्रोटेक्टेड मेंबर को प्रोटेक्टेड मेंबर के हिसाब से यूज कर सकते। बट अगर हम प्रोटेक्टेड मोड यूज करके एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स दोनों को हम चाइल्ड क्लास के अंदर एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देन आते हैं प्राइवेट मोड। अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए हम एक चाइल्ड क्लास को अलाउ करते हैं बाय यूजिंग प्राइवेट मोड, तो वहां पे क्या होगा कि पेरेंट क्लास के अंदर जो भी पब्लिक मेंबर्स हैं, जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास के अंदर हम यूज कर पाएंगे एज ए प्राइवेट मेंबर। ओके, इफ वी डिराइव ए सब क्लास फ्रॉम ए प्राइवेट बेस क्लास, अगर हम एक पर्टिकुलर सब क्लास को क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं एक प्राइवेट बेस क्लास से, मतलब अगर एक बेस क्लास को हम प्राइवेट एक्सेस मोड यूज करके इनहेरिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक चाइल्ड क्लास को, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट बेस क्लास। ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को प्राइवेट एक्सेस मोड यूज करके हम इनहेरिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक चाइल्ड क्लास को, तो उस पेरेंट क्लास के अंदर जो भी पब्लिक मेंबर्स हैं, जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, उसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर एज ए प्राइवेट मेंबर क्या कर सकते हैं, एज ए प्राइवेट मेंबर यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टेबल में उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब किया गया है। बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास के अंदर अगर कुछ पब्लिक मेंबर्स हैं और उसी पेरेंट क्लास को अगर हम चाइल्ड क्लास के द्वारा पब्लिक एक्सेस मोड यूज करके इनहेरिट करते हैं, तो उस पब्लिक मेंबर्स को हम एज ए पब्लिक मेंबर ही चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर को प्रोटेक्टेड मेंबर के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं, और पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को हम बाकी कोई भी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर ही नहीं सकते, मतलब एक्सेस ही नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम एक पेरेंट क्लास को बाय यूजिंग प्रोटेक्टेड मोड क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो पेरेंट क्लास का जो पब्लिक मेंबर है उसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर के हिसाब से यूज कर पाएंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, प्रोटेक्टेड मेंबर को भी प्रोटेक्टेड मेंबर के हिसाब से एक्सेस कर पाएंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, और प्राइवेट मेंबर्स को, एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास का प्राइवेट मेंबर को हम बाकी कोई भी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को या फिर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक चाइल्ड क्लास के थ्रू इनहेरिट करना चाहते हैं बाय यूजिंग प्राइवेट एक्सेस मोड, देन पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स को भी हम एक्सेस करेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर एज ए प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस करेंगे एज ए प्राइवेट मेंबर, और प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को अगर हम पब्लिक एक्सेस मोड यूज करके इनहेरिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक चाइल्ड क्लास को,
तो पेरेंट क्लास के अंदर हमने उसको जैसे डिक्लेयर किया है चाइल्ड क्लास के अंदर भी वैसे ही यूज कर सकते हैं। अगर हमने एज ए पब्लिक मेंबर डिक्लेयर किया है तो चाइल्ड क्लास के अंदर भी एज ए पब्लिक मेंबर यूज कर सकते हैं। अगर एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर हमने डिक्लेयर किया है तो चाइल्ड क्लास के अंदर भी एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर ही यूज कर सकते हैं। बट अगर हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मोड यूज करके हम क्या करते हैं, एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं एक चाइल्ड क्लास में, तो वहां पे एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास का पब्लिक मेंबर भी हम यूज कर सकते हैं एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर चाइल्ड क्लास के अंदर, और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर चाइल्ड क्लास में। बट अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को हम इनहेरिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक चाइल्ड क्लास को बाय यूजिंग प्राइवेट एक्सेस मोड, तो उस पेरेंट क्लास के पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड दोनों मेंबर्स को हम एज ए प्राइवेट मेंबर यूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, और पेरेंट क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उन प्राइवेट मेंबर्स को ना ही हम कोई भी चाइल्ड क्लास में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, द प्राइवेट मेंबर्स इन द बेस क्लास, बेस क्लास मीन्स पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को हम डायरेक्टली कोई भी डिराइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, बट प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिराइव क्लास या फिर चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, और पब्लिक मेंबर्स को तो हम प्रोग्राम के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम प्रोग्राम के बाहर उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल हमने डिजाइन किया है, इस टेबल के थ्रू हम ये देख सकेंगे कि एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर अगर हमने प्राइवेट मेंबर्स भी डिक्लेयर किया है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी डिक्लेयर किया है, पब्लिक मेंबर्स भी डिक्लेयर किए हैं, तो उन मेंबर्स को हम उसके डिराइव क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर क्लास के बाहर उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सपोज एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैंने पब्लिक सेक्शन के अंदर कुछ मेंबर्स को डिक्लेयर किए हैं, तो वही सेम पेरेंट क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, डिराइव क्लास के द्वारा भी उन पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास के बाहर भी वही सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके या फिर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के अंदर या फिर बेस क्लास के अंदर हमने कुछ मेंबर्स को प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके डिक्लेयर किया है, तो उसको हम वही सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, डिराइव क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बट क्लास के बाहर ना ही वही सेम क्लास के ऑब्जेक्ट यूज करके ना ही डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, देन अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के अंदर हमने कुछ भी मेंबर्स को प्राइवेट सेक्शन या फिर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके डिक्लेयर किया है, तो उसको हम सिर्फ सेम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिराइव क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ना ही क्लास के बाहर सेम क्लास या फिर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके एक मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, तो उसको सेम क्लास, डिराइव क्लास और क्लास के बाहर उस पर्टिकुलर क्लास एंड डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर मेंबर्स को प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके डिक्लेयर करते हैं, तो उसको सेम क्लास एंड डिराइव क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बट क्लास के बाहर सेम क्लास या फिर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई भी मेंबर को हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम सिर्फ सेम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर क्लास के कोई मेंबर फंक्शन के द्वारा, ना ही हम उसको डिराइव क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ना ही उसको हम सेम क्लास या फिर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, एग्जांपल को इसीलिए लिया है ताकि हम इजीली समझ सकें एक्सेसिंग मोड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे यूज किया है पब्लिक एक्सेस मोड इस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए, किसके द्वारा, चाइल्ड क्लास बी के द्वारा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को पब्लिक एक्सेस मोड यूज करके इनहेरिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ एक चाइल्ड क्लास को, तो इस पर्टिकुलर क्लास के पब्लिक मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स को इस पर्टिकुलर क्लास में हम वही पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर के हिसाब से ही क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे या फिर यूज करेंगे, और प्राइवेट सेक्शन के अंदर जो मेंबर है उसको हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, देन अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को मैं प्रोटेक्टेड एक्सेस मोड यूज करके एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं, तो वहां पे वो चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर को एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एंड प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, देन अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को हम प्राइवेट एक्सेस मोड यूज करके इनहेरिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं,
तो उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स को वो हमें अलाउ करेगा एज ए प्राइवेट मेंबर यूज करने के लिए, उस पर्टिकुलर क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को भी वो हमें अलाउ करेगा एज ए प्राइवेट मेंबर यूज करने के लिए, और उस पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट मेंबर को वो हमें एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, पता चला कि एक्सेस मोड क्या है इनहेरिटेंस का। तीन अलग अलग तरह के एक्सेस मोड यूज करके हम किस किस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम में। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पर्टिकुलर क्लास के अंदर अगर हम कोई भी मेंबर को एज ए पब्लिक मेंबर या फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम वही सेम क्लास, उसके बाद उसके डिराइव क्लास एंड उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कुछ भी मेंबर्स को प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम सिर्फ वही सेम क्लास एंड उसके डिराइव क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई भी मेंबर्स को प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ हम उसको उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही उसके मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ना ही उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ना ही डिराइव क्लास के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।